हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चांचल बर्ड्स में। आज की वीडियो में हम आपको विंटर सीज़न में क्या स्पेशल डाइट्स आप अपने बजीज, पैरेट, फिंचेस, जावा, कॉकटेल, लव बर्ड्स को क्या क्या दें और किस तरह से आप इनका विंटर सीज़न में इनका ख्याल रखें, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। ये देखिए, मैंने सुबह का टाइम है, धूप काफ़ी अच्छी निकली है और मैंने इन्हें खाने में सॉफ्ट फूड दिया है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। सॉफ्ट फूड में आप देख रहे होंगे मैंने पालक का साग दिया है, भीगी हुई रोटी दी है, उबले हुए चावल दिए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी मैं भी मिक्स सीड मिक्स देता हूँ तो ये आप अच्छी क्वांटिटी में सॉफ्ट फूड अलग मिक्स क्वांटिटी में देंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो आपका जो भी फिंचेस हैं या जावा हैं या कोई भी एक्जॉटिक पैरेट्स आपके पास या बर्ड्स हैं वो इसे काफ़ी चाव से खाएंगे और काफ़ी अच्छी इनको प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। इनका काफ़ी अच्छे ब्रीडिंग के हवाले से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। और ये देखिए, बराबर में मेरे हैं बजीज पैरेट्स। बजीज पैरेट्स को भी देखिए, मैंने डाला है भीगे हुए गेहूँ, क्योंकि ये भीगे हुए गेहूँ काफ़ी चाव से खाते हैं। आपको जैसा पता होगा जो गेहूँ होता है वो रिच इन विटामिन होता है और जो रोटी होती है उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट और रफेज होते हैं और ये काफ़ी चाव से खाते हैं और अपने बर्ड्स को फीड कराते हैं। और ये देखिए, और आपको ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ये देखिए, एक मेरी बर्ड्स है बार बार अच्छे से मीटिंग कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत कम मिलती है देखने को। तो ये देखिए, मेरा पेयर है, एक मटकी में सेट है और ये काफ़ी अच्छी ब्रीड भी कर रहे हैं, मतलब मीटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप भी अपने बजीज पैरेट से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं और अच्छी मीटिंग लेना चाहते हैं तो अपने बजीज पैरेट को अच्छी क्वांटिटी में उन्हें गेहूं दीजिए, भीगी हुई रोटी दीजिए। इससे होता यह है कि आपकी जो भी बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे ब्रीड करते हैं। और फिलहाल देखिए, पानी के ऊपर मैंने दिया है इन्हें एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में देखिए मैंने क्या दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और ये देखिए, मैंने एम॑क्सिसाइक्लिन कैप्सूल दिया है 500 mg में, एक एक लीटर के दो बकेट हैं तो मैंने एक कैप्सूल आधा आधा दोनों में डाल दिया है। और इस तरह से डाल के आप घोल दें, नहीं घोल सकते हैं तो ऊपर से डाल दें और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये है एम॑क्सिसाइक्लिन, ये शायद अबॉट कंपनी का है और लगभग ये 80 rupees समथिंग का ये इंडिया में मिलता है, 10 कैप्सूल लगभग, मतलब एक कैप्सूल की कीमत 8 rupees होती है। तो मैंने अभी एंटीबायोटिक का कोर्स करा दिया है क्योंकि विंटर सीज़न की स्टार्टिंग हो गई है। और ये देखिए, मेरे जो जावा या फिर कॉकटेल्स या फिंचेस, जो मेरी फिंचेस हैं वो किस तरह से पानी में नहाती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करती हैं। और आप देख सकते हैं ये किस तरह से सॉफ्ट फूड की कट प्लेट पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये इसके ऊपर बैठ के खा रही हैं। और देखिए, बहुत से मेरे जावा के बच्चे भी निकले हैं तो वो भी देखिए, जो भीगी हुई रोटी है वो खा रहे हैं और चावल है वो खा रहे हैं। इन्हें मैं गेहूं नहीं देता क्योंकि जो फिंचेस वगैरह होती हैं वो गेहूँ नहीं खाती हैं। और कुछ मैंने पालक के साग भी दे रखे हैं, ये कुछ पालक के साग खाने को इन्जॉय कर रहे हैं। तो चलिए, चलता हूँ मैं, अब आपको लबर्ड्स वगैरह भी दिखाता हूँ अपने। और ये देखिए, मेरे कॉकटेल्स और लबर्ड्स है, इन्हें भी मैंने सॉफ्ट फूड में आज सुबह सुबह मैंने इन्हें भीगे हुए गेहूँ और भीगी हुई रोटी डाली है और आप देख सकते हैं कितने चाव से ये लोग खा रहे हैं। और इसके अलावा दाना जो है, सीड मिक्स है, जो मिक्स सीड मिक्स है वो हमेशा मैं इनके जो फीडर हैं उस या इनका जो बर्तन है उसमें हमेशा रखता हूँ। ये अपार्ट फ्रॉम, मतलब जो दाना है उसके अलग से क्या देना उस चीज़ को मैं कवर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, भीगे हुए गेहूँ सारे के सारे लबर्ड्स मेरे चाव से खा रहे हैं, कुछ बच्चे भी आप देख सकते हैं निकले हुए हैं वो भी खा रहे हैं, इन्हें पालक भी मैंने डाला है और कुछ गोभी की जो डंठल हैं वो जो हमारे लबर्ड्स हैं वो बहुत चाव से च्यूइंग करते हैं। और ये देखिए, गोभी इसमें मैंने डाली थी, केवल डंठल बचा है। वीक कंडीशनिंग अच्छी होती है, आपको ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी मिलती है। बहुत से मेरे जो लबर्ड्स हैं वो मटकी पकड़ के बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी बर्ड्स लवर हैं उन्हें हमारा चैनल ज़रूर रिकमेंड करें या हमारी वीडियो शेयर करें और उनसे दरख्वास्त करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप हमें दें। और इसी तरह हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। इन्हें भी मैंने जो
एंटीबायोटिक की पहली डोज दे दी है। एक लीटर पानी में मैंने आधा कैप्सूल डाल दिया है, अगर 500 एमजी का है, अगर 250 एमजी का है तो आप पूरा डाल सकते हैं। और ये देखिए कुछ लबर्स के बच्चे हैं ग्रीन म्यूटेशन में, कुछ देखिए ब्लू म्यूटेशन में भी निकले हैं, 4 बच्चे लगभग मटकी से बाहर निकले हैं मेरे। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड मुझे समय समय पर अपने लबर्स से मिलती रहती है। और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए आप हमारे चैनल तरंचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये थी मेरी छोटी सी कॉलोनी लवबर्ड्स और कॉकटेल की। और दूसरी तरफ देखिए मैंने बना रखी है अपने बजीज फिंचेस और कॉकटेल के लिए। बजीज की फ़िलहाल मैं डाइट में मैंने क्या ऐड किया है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखते रहें। और मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ किस तरह से बजीज चाव से इन्हें खाती है। ये देखिए मेरी बजीज पैरट्स हैं, इन्हें मैंने भीगे हुए गेहूँ कितने सॉफ्ट हैं इन्हें खा रहे हैं, ये बार बार इन्हें चाव से खा रहे हैं। और ये देखिए पानी में ऊपर ये आपको तैरता हुआ दिख रहा है, ये एमोक्सिसाइक्लिन कैप्सूल का जो पाउडर है वो मैंने डाल दिया है एंटीबायोटिक के लिए। तो बस इन्हें पी लेंगे और काफ़ी जो भी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स इनके अंदर क्रिएट ना हो इसलिए प्रिवेंटिव तौर पर अपने बर्ड्स के एंटीबायोटिक का कोर्स आप ज़रूर करा दें। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल तरंचल बर्ड्स आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।